सामने की तरफ देखिए, इधर पूरा लाइन से जो मूर्तियां हैं उसमें कलर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग 10 से 12 फीट की चौड़ाई आएगी और हाइट की बात करूँ तो लगभग 10 से 12 फीट की। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके ब्लॉग 07। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, दुर्गा मूर्ति की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आप पहुंचा हूं माना रायपुर के श्री साई मूर्ति कला केंद्र। जब गणेश मूर्तियों का सीरीज चल रहा था ना, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड था वो श्री साई मूर्ति कला केंद्र का था और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दुर्गा मूर्ति के टाइम पे। तो ये है आपका श्री साई मूर्ति कला का बोर्ड है, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा, एड्रेस डिटेल भी है। देखिए, एकता नगर टेमरी माना कैंप। तो ये जो श्री साई मूर्ति कला है ये पड़ता है आपके माना रायपुर में। एग्जैक्ट डिटेल कहूँ तो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है उसके सामने ही। तो चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं और जो मूर्तियाँ बनी हुई है ना वो आपको दिखाते हैं। तो इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको इस तरफ का मूर्तियाँ दिखाएंगे। देखिए, इस तरफ का जो मूर्तियाँ हैं वो ऑलमोस्ट कलर कम्प्लीट है और यहाँ पर देखिए भाई साहब भव्य मूर्ति बन रही है। और देखिए पुट्टी का काम चल रहा है, यहाँ पर शेर है, देखिए यहाँ नीचे में राक्षसगण है और इस तरफ आप देखिए गणेश जी की मूर्ति। तो अभी इस पर पुट्टी का काम चल रहा है और मूर्ति देखिए भाई साहब क्या गजब का लग रहा है। तो जब कलर वलर का काम कंप्लीट होगा ना, ओवरऑल तैयार हो जाएगी मूर्ति, तब देखने लायक रहेगी। अगर चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग 10 से 12 फीट की चौड़ाई आएगी और हाइट की बात करूँ तो लगभग 10 से 12 फीट की। और मूर्ति देखो काफ़ी खूबसूरत। कहाँ जा रही है अभी है ये वाली? रायपुर में ही है। देखिए, तो ये वाली जो मूर्ति है आपको रायपुर में ही देखने को मिलेगी भाई साहब, है ना ज़बरदस्त। तो चलिए सामने की तरफ आपको लेके चलते हैं और इस तरफ देखिए ये वाली जो मूर्ति है इसमें भी अभी पुट्टी का काम हुआ है और इसमें भी अभी पुट्टी का काम चल रहा है। देखिए, तो सामने की तरफ लेके चलते हैं। सामने की तरफ देखिए, इधर पूरा लाइन से जो मूर्तियाँ हैं उसमें कलर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ कुछ जो फिनिशिंग टचेस रहते हैं वो बस बाकी हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है कलर का काम। तो ये वाली मूर्ति आप देखिए, इस पर अभी जो है कपड़े का काम चल रहा है और मूर्ति देखो ओवरऑल देखने में काफ़ी खूबसूरत है। जब मुकुट वगैरह का काम हो जाएगा, बैकग्राउंड का काम हो जाएगा, स्टोन पट्टी वट्टी लगेगी, उसके बाद मूर्ति देखने लायक रहेगी। तो अभी हम लोग एकदम एंड पे हैं, इधर मैं आपको लेते चलूँगा जहाँ पे ऑलमोस्ट जो मूर्तियाँ उसमें जो है कलर का काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए, जैसे कि ये मूर्ति आप देख पा रहे हैं इसमें कलर का काम कंप्लीट हो चुका है। जो फिनिशिंग टचेस रहते हैं एंड में जो दी जाती है, जो बॉर्डर्स वगैरह रहते हैं, स्टोन वगैरह रहता है, वो बाकी है। ओवरऑल आप मूर्ति देखो, ऊपर में आपको राधा कृष्ण देखने को मिलेंगे और नीचे की तरफ आप देखिए है ना खूबसूरत। और ये वाली आप देखो भाई साहब एक नंबर देखिए। और यहाँ नीचे में ड्रैगन भी है, देखिए थोड़ा सा यूनिक हो गया ये डिज़ाइन जो है। मूर्ति देखो और इस तरफ आप देखिए, तो जो साइज़ है ना वो बात करूँ तो लगभग 10 से 11 फीट की हाइट पे आएगी। ये वाली भी देखिए, वो वाली भी देखिए, लगभग सेम साइज़ पे। और चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग 5 से 6 फीट की चौड़ाई में आएगी। और मूर्ति देखिए खूबसूरत। और इस तरफ भी देखिए, ये थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में हो गया। ये देखिए पीछे की तरफ आपका पर है, बीच में ओम है, जो बैकग्राउंड है वो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये वाली आप मूर्ति देखो कितना खूबसूरत है और इसमें अभी कलर का काम चल रहा है, अभी ये बॉडी में पूरा कलर होना है। और बैकग्राउंड देखिए कितना खूबसूरत। और इस तरफ आप देखिए, यहाँ पे बाबा भोले हैं, माँ पार्वती है और नीचे में नंदी महाराज शेर और ऊपर की तरफ आपको नौ दुर्गा देखिए। तो
तो ये वाली आप मूर्ति देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो मूर्ति है ये थीम बन रही है हनुमान जी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के थीम पे देखिए। और मूर्ति देखो कितना खूबसूरत है। तो अभी इसमें आँख का काम बाकी है और जो एंड में जो फिनिशिंग टचेस है वो बाकी है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दीदी जो है यहाँ पे बॉर्डर का काम कर रहे हैं देखिए। तो फाइनल टचेस बस जो है ना वो बाकी है और आज से दुर्गा पूजा लगभग 4 से 5 दिन ही बाकी है। और ये देखिए मूर्ति, तो ये बन रही है बाबा भोलेदेव और इधर देखिए माँ दुर्गा। और जो ओवरऑल जो मूर्ति है वो रथ पे है देखिए, है ना खूबसूरत जो मूर्ति है ना ये देखिए, ये पूरा बन रही है रामायण के थीम पे। ऊपर में आपको प्रभु श्री राम लक्ष्मण और इधर पूरा बानर सेना है और यहाँ पे आपको माँ दुर्गा देखने को मिलेंगी। तो इस बार जो है ये रामायण बेस्ड थीम जहाँ पे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जो है आपको काफ़ी सारे मूर्तियों में देखने को, एक तो ये हो गया अभी अपन दिखा रहे थे ये वाला सामने, वहाँ पे दीदी बॉर्डर चढ़ा रही है उस पर, और वहाँ पे एक और जो मूर्ति है उसमें देखने को मिला था। और यहाँ पे ये मूर्ति आप देखो, ये अभी सिर्फ मिट्टी में है और जो मूर्ति है वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें पुट्टी और कलर का काम बाकी है, सिर्फ मिट्टी का काम हुआ है देखिए। और एक तो ये वाला आप मूर्ति देखिए, ये बन रही है बैलगाड़ी के थीम पे, यहाँ पे बैल देख सकते हैं और यहाँ पे गणेश जी हैं। और ये मूर्ति आप देखो, और ये ओवरऑल आपका मूर्ति है देखिए। और मैंने वो वाला मूर्ति तो आपको दिखाया, सबसे बढ़िया मूर्ति यहाँ का और सबसे बड़ी साइज भी है अगर चौड़ाई में देखें और लंबाई में देखें। ये है श्री साई मूर्ति कला केंद्र का माता की मूर्तियाँ, और मूर्तियाँ तो एक से बढ़कर एक भव्य भव्य मूर्तियाँ हैं। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।